नूरपुर बस हादसे में मारे गए मासूमों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की किलकारियों की जगह परिजनों की चीखें गूंज रही हैं। पूरी पंचायत में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि इस सारे घटनाक्रम को लेकर एक अखबार ने सवाल खड़े कर दिए थे कि मुख्यमंत्री के इंतजार में मृतकों के शवों को 3 घंटे देरी से दिया गया। वहीं जिन 3 शवों की बात की जा रही है वो भी वापस ले लिए गए। जब इस बारे में मृतकों के बच्चों के अभिभावकों से बात की गई तो उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि अपने दिलों के टुकड़ों को उनसे अलग होना एक असहनीय पीड़ा है, जिससे वे ताउम्र भूल नहीं पाएंगे, लेकिन जो प्रशासन की कारगुजारी रही है उससे वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से उस समय जो बेहतर हो सकता था वो किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर शवों को 3 घंटे देरी से देने के बाद पर ऐसा कोई मामला नहीं है। पोस्टमार्टम सुबह हुआ और शवों को रात को देना और फिर वापस लेने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने इस बात को कोरी अफवाह करार दिया। आपका शुभ नाम? मैं अजय पठानिया। अजय जी, जो बस हादसा हुआ, आपके 2 बच्चे इसमें शामिल थे ना, एक आज हमारे बीच नहीं और एक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है हॉस्पिटल में ना, इस सारे जो घटना के बाद जो प्रशासन की जो कारगुजारी रही है, क्या लगता है कितने संतुष्ट आप उस प्रशासन से? हम खुश हैं, पर जो PW ऑन मौके पर जो मतलब वो आगे भी हादसा जरूर हो सकता है वहाँ। अच्छा, क्योंकि ये रोड 2-4 किलोमीटर का रोड है सारा। अच्छा, ना तो इसमें साइड में कोई डंगे लगा रहे हैं। हादसे पर अभी 5-7 महीने हुए हैं पिछले। एक ट्रक गिरा, उसके कोई पता ही नहीं किया कि ट्रक किसका है, क्या है क्या नहीं। दूसरी बार अब बस गिर गई उसके ऊपर। तो अगर PW जाने तो सब कुछ कर सकती है, नहीं जाने तो कुछ भी नहीं कर सकती। इसमें एक आवाज उठ रही थी कि CM के इंतजार में जो शव को देरी से दिया गया, क्या ऐसा कुछ लगा? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो टाइम भाई लगेगा, वो तो टाइम तो जरूरी है, इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है। तुरंत तो काम कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, क्योंकि आप चलो जो बच्चे उनकी भरपाई तो कभी पूरी हो नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से उनका राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई की गई, बहुत मैं खुश हूँ जी प्रशासन से। मैं कोई नाराज, मैं सिर्फ एक इन 2 चीजों से नाराज हूँ बस। स्कूल की बात कर रहे हो? स्कूल की बात कर रहा हूँ और एक रोड की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको स्कूल, जैसे इतनी डेथ होगी, बच्चे खत्म हो गए, स्कूल का कोई फर्ज नहीं है कि जा आना चाहिए कि नहीं? स्कूल वालों ने कोई सुध नहीं लिया, कोई भी नहीं आया। आप मांग करते हैं कि सरकार उसको, मांग यही है कि स्कूल की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या मिस्टेक है क्या नहीं है, क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके बच्चे नहीं थे ये? अगर इनके बच्चे नहीं थे तो फिर प्राप्त क्यों थे? फिर हमारी मिस्टेक है कि हमने इनको दाखिल मांग कराया। आगे से नहीं होगा, आगे से होगा क्या? नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, बस ऐसा है, बाकी कुछ नहीं। शुभ नाम? नरेश सिंह। नरेश जी, आपने भी अपनी बेटी को ये सांस में, हम आपका दुख समझते हैं। मतलब इस सारी प्रक्रिया के बाद, इस हादसे के बाद जो भी प्रशासन की कारगुजारी रही, अब उसे कितना संतुष्ट है, क्या लगता है आपको प्रशासन को? बिल्कुल संतुष्ट है जी, प्रशासन ने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया। अच्छा, जो उनसे हो सकता है, एम्बुलेंस भी टाइम की पहुंच गई, जो बंदे थे उन्होंने भी काफी हेल्प की नीचे से ऊपर तक लाने, क्योंकि IT इतनी थी कि काफी दूर तक नीचे गाड़ी गई, उसमें टाइम तो लगना था ऊपर तक लाश के पहुंचाने, फिर भी उन्होंने आगे जितना भी हमारे MLA साहब ने किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि एम्बुलेंस धड़ाधड़ हॉस्पिटल तक पहुंच रही थी, जितनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा मतलब उन्होंने कोशिश की, जितने भी डॉक्टर वगैरह सब टाइम टू टाइम अपना स्टाफ जो पूरा कवर कर लिया। सुनने में आया कि जैसे कोई वो कि CM के इंतजार में शव नहीं दिए गए, जो ऐसा कुछ काम जो टाइम टू टाइम होता था, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या? शुभ नाम? इंद्र सिंह। इंद्र भाई, आपने अपना बेटा खोया है, हम उस दुख आपके दुख दर्द को समझ सकते हैं, उसकी भरपाई तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इस सारे हादसे के बाद जो प्रशासन का रोल रहा उससे आप कितने के संतुष्ट हैं? प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है, जो वो कर सकते थे हर संभव मदद की है हमने। आपसे उनसे ज्यादा कोई शिकायत नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। कहीं लोग पहले लग रहे थे रोक की टाइम पे डेड बॉडीज नहीं दी गई, हम वहीं पे थे, मतलब कोई ऐसे देखा न्यूज फेंक रहे लोग कि 3 घंटे तक इंतजार करा, कहीं कोई इंतजार नहीं करा है, मतलब ओवरऑल बिल्कुल
मतलब टाइम से सब कुछ हुआ है? सब कुछ हुआ, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई? दिक्कत नहीं।